हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कल होली है, तो होली की भी आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड, होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, वो सभी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और आपके यहाँ क्या बनता है और आप कैसे मनाते हैं, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और हमारे यहाँ होलिका दहन रात के 12 बजे किया जाता है, तो वो तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि रात के समय हम लोग नहीं जाते हैं देखने। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई हूँ आज। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं चने छील रही हूँ, ये झार वाले चने हैं। और फ्रेंड, आज मैं इसकी पकौड़ी बनाऊँगी। हमारे यहाँ आज के दिन बहुत सारी सब्जियों की पकौड़ी बनती है, तो मैं भी 2-4 तरीके की बनाऊँगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि सारी सब्जियों की पकौड़ी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं और मेरे बच्चों को भी, तो इसलिए मैं जो हमें पसंद है हम वही बनाएंगे और जिनको जो पसंद रहता है वो लोग वही बनाते हैं। तो देखिए मैं चने छील ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से धोकर पकौड़ी बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए फ्रेंड, मैंने चने को अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूंगी पकौड़ी बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए फ्रेंड, पकौड़ी बनाने के लिए मैं चावल का पेस्ट तैयार करूंगी। चावल का पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने चावल को कुछ देर पानी में फूलने के लिए डाल दिया था और ये फूल चुका है, तो मैं इसे मिक्सर जार में पीस लूँगी। आप चावल के जगह चावल का आटा भी यूज कर सकती है। और इसमें जो मैं मसाले डाल रही हूँ वो है लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लहसुन। इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मिक्सर जार में चावल को डाल दिया है और मैं मसाले भी इसी में डाल दूँगी ताकि ये साथ में पिस जाए। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी ताकि इसका कलर पीला आ जाए और देखने में अच्छा लगे। तो देखिए मैं यहाँ हल्दी डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं सभी को एक साथ पीस लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, पीसने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है पेस्ट। पेस्ट पीसने के बाद अब मैं इस थाली में चने डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें पेस्ट भी डाल दूंगी। फिर दोनों को मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने चने और पेस्ट को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड, मैं पकौड़ी को तवे पर बनाऊंगी, तो तवे को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। तवा गर्म होने पर मैं इसमें तेल डाल दूंगी। तो देखिए मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ और मैं सरसों तेल में ही बना रही हूँ। और मैं तेल को पूरे तवे पर फैला दूंगी ताकि पकौड़ी इस पर आसानी से पलट सके, नहीं तो ये चिपक जाएगी अगर आप तेल नहीं फैलाएंगे अच्छी तरह से। और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा यूज होता है क्योंकि चना को पकना होता है इसमें, तो तेल में ही पकता है चना। फ्रेंड, मैंने तवे पर पकौड़ी को डाल दिया है और पकौड़ी नीचे से पक चुकी है, तो मैं इसे पलट दूंगी। आप अपने इच्छा अनुसार बड़ा छोटा बना सकती है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। और नीचे से देखिए पक गया है, अब मैं इसे दूसरी साइड से भी पका लूँगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है लेकिन इसे कम आँच पर पकाया जाता है, अगर आप तेज़ आँच पर पकाएंगे तो जल जाएगा। देखिए फ्रेंड, पकौड़ी पक चुकी है लेकिन इसे मैं थोड़ा और उलट पलट कर पकाऊंगी ताकि ये करारा हो जाए। और उसके बाद बाकी की सारी पकौड़ियाँ भी मैं पका लूंगी इसी तरह से।
देखिए फ्रेंड, चने की पकौड़ी बनकर तैयार है। देखने में जितना ये अच्छी लग रही है उतना ही टेस्टी लगती है खाने में, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। मुझे और भी पकौड़ियाँ बनानी है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे आलू चॉप बना रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है और बाकी चीज़ों को भी मैंने शेयर नहीं की है। आगे मैंने जो बनाया है मैं कभी और शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आलू चॉप बनाने के बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया है। मैंने और भी बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई है, तो सभी को मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं कढ़ी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि होलिका दहन के दिन हमारे घर में रात के खाने में कढ़ी और चावल ही बनता है। आप बिहार के किसी भी घर में जाओ, आपको कढ़ी चावल ही मिलेगा होलिका दहन के दिन। तो रात के खाने में आज हम कढ़ी चावल ही खाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ और साथ में मैं दूसरे चूल्हे पर चावल भी रख दी हूँ बनने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। ये फ्रेंड, कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारा चावल भी पक चुका है, तो मैं सभी के लिए खाना निकाल दूंगी। यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है, चावल और कढ़ी, साथ में मैंने सलाद रखे हैं और पकौड़ियाँ हम पहले ही खा चुके हैं, तो अभी हम पकौड़ियाँ नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल को दबा ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।